आप भी अपने मोबाइल आइकन को चेंज करना चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एनी आइकॉन एप्लीकेशन। तो आइए चलो दोस्तों ऐप को ओपन करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते ही एनी आइकॉन एप्लीकेशन का इंटरफेस हमें कुछ इस तरह शो करेगा। मैं हूं पंकज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट पंक में। यहां पे दोस्तों मेरे जो मोबाइल में जितनी भी सारी एप्लीकेशन है वो मुझे यहां पे बताई जाएगी। यहां पे दोस्तों मैं एक जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ से चूज़ करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम उसका जो आइकॉन है वो कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। यहाँ पे दोस्तों आप अपने हिसाब से उसका जो कस्टमाइज जो उसका लोगो है वो उसको यहाँ से आप कर सकते हो। उसमें अगर आपको इमोजीज या और कोई आइकॉन रखना है तो दोस्तों यहाँ से आप अपने हिसाब से और कोई भी आइकॉन से उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको उसके जो मल्टीपल कलर्स होगी, मल्टीपल थीम्स होगी, वो यहाँ से आपको बताई जाएगी। जैसे कि दोस्तों आइकॉन में मैं ये वाला जो आइकॉन है उसको चूज़ करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर मुझे उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो दोस्तों यहाँ से मैं उसमें इजीली जो चेंजेस है वो यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं अगर दूसरा जो आइकॉन है वो चूज़ करूँगा, उसमें भी दोस्तों यहाँ से आपको कई सारे जो आइकॉन्स होंगे वो यहाँ से आपको शो करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ से आप उसमें एडिट कर सकते हो, यहाँ से आप उसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आपको किस कौन से शेप में आपको वो चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप बात करूँ कलर की तो दोस्तों यहाँ से आप उसका फॉन्ट का जो कलर है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं फिर से प्लस पे क्लिक करूँगा, इमोजीज पे जाऊँगा। यहाँ पे भी दोस्तों आप मल्टीपल जो आइकॉन से उसको यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से ऑप्शन टू में मैं जाऊँगा। यहाँ पे दोस्तों आप डायरेक्टली अपने होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन में यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करते ही दोस्तों यहाँ से आप उसमें इमेज है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको कई सारे जो आइकॉन्स होंगे वो यहाँ से आपको शो करेगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ से आप आइकॉन का जो पेज है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे दोस्तों यहाँ से आपको कई सारे जो आइकॉन्स की दोस्तों जो एप्लीकेशन होगी वो यहाँ से आपको बताई जाएगी। उसमें भी दोस्तों आप अपने आइकॉन है उसको यहाँ से आप इजीली एडिट है वो कर सकते हो, डाउनलोड है वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कुछ इस हिसाब से है एनी आइकॉन एप्लीकेशन। दोस्तों इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपने हिसाब से अपना जो आइकॉन है वो सेट कर सकते हो और उसमें कस्टमाइजेशन है वो कर सकते हो और यहाँ से आप अपने मोबाइल में उसको सेट कर सकते हो। ऐप के रिलेटेड आपको कुछ भी कंसर्न या क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्टीमेट पंक।